अथ तृतीय अध्याय। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न करना, बालक स्कंद द्वारा क्रौच पर्वत का भेदन, इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाक विषाक आदि का उत्पन्न होना, कार्तिकेय का क्षणमुख होकर छह कृतिकाओं का दुग्धपान करना। नारद उवाच। हे ब्राह्मण, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहां क्या हुआ इसे आप कृपा कर बताइए। ब्रह्मा उवाच। तस्मिन् अवसरे तात विश्वामित्र प्रतपवन् मेदितो विधिना तत्र गच्छत्रितो यदृशया सदृष्ट्वा लौकिकं धाम तत्सुतस्य सुतेजसं हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहां जा पहुंचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिव सुत उवाच। शिवेक्षया महाज्ञाने कस्मात् त्वमेहागतः संस्कारं कुरु मे तात यथावद्वद् सम्मितम् अद्यारभ्य पुरोधास्त्वं भवो मे प्रतिमा वहन् भविष्यसि सदा पूज्य सर्वेषामत संशया। शिवपुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक शिवेच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथा विधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं, इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी बोले, बालक की यह बात सुनकर गादी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र उवाच। शृणु तात नवे गादी क्षत्रिय बालक विश्वामित्र त्रिविख्यात क्षत्रियो विप्रसेवक। विश्वामित्र बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ किंतु गादी सुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। इति स्वचरितं ख्यातं मया ते वर बालकं कस्त्वं स्वचरितं ब्रूहि विस्मिताया किमभिमे। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया, तुम कौन हो अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा उवाच।
व्याकरण्य वचस्तस्य तस्व वृत्तं प्रगतः ततश्चोवचसो ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उस गाली पुत्र विश्वामित्र से अपना सारा चरित कहा। शिव सुत उवाच, विश्वामित्र वरानेक ब्रह्मशिरनत संशय वसिष्ठश्च नित्यं त्वं प्रशंसिष्यति चातुरा संस्कारं कर्तुम् अर्हसि इदं सर्वं स्वगोप्यं कथनीयं कुत्रचित्। शिवसुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठादि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे, इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ततो काशिस संस्कारं तस्य प्रीत्या किलं यथा शिवमानस दैवाशु वेदोक्त विधिना परम्। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, तदनंतर विश्वामित्र ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीत से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। शिव बालोपि सुप्रीतो महान लीला करने वाले प्रभु शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। पुरोहितं चकारास विश्वामित्रं शुचि सुतः तदारभ्य की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र दुःश्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एतं लीला कृता तेन कथिता समय मुने कलीनाम परम तात चुनु त्वेत्या पदमः। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। तस्मिन् अवसरे तात श्वेतनामच संप्रति तथा पश्चात्सुकंदे निजं परम पावनम् ततस्तम्पौ को गत्वा दृष्ट्वा लिंग्य चुचुम्बुच पुत्रेति च शक्ति। उसी समय श्वेत ने उस दिव्यमान तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदनंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुम्बन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। गुह कार्तिकेय उस शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दश पद्मनितावे राक्षसः पुरमागतः तत्त्वधार्थं कृतं नष्टः बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्मवीर राक्षस वहाँ आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। हाहाकारो महानाशिष कंपे साचलामही त्रैलोक्यं च सुरेशान सदैव सद्चागुणत्। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया, परतों के सहित सारी पृथ्वी और त्रैलोक के कांपने लगा। उस समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहाँ आ पहुंचे। क्षीणे तस्य पार्श्वे च वज्रेण स जगन्नः शाकनामा कथञ्चात् कोमश्च को महाबलः पुनः शक्रो जघानाशु वामपार्श्वे हितं सदा वज्रेणान्यः कोमञ्जात् विशाखाख्य।
वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाक नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगते ही एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाक, विशाख तथा नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उसकी शरण में गए। देवताओं के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान पर अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली छह स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुने, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुने, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने छह मुख बना लिए और उन सबका स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुने, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गईं। बालकं कुमाराख्यं स्तनं दत्त्वा स्तनार्जुनं वर्धयामासुरीशस्य सुतं सूर्यधिकप्रभं न च कुर्बालकं याश्च लोचनानामगोचरम् प्राणेभ्योऽपि प्रेमपात्रं यः पोषतस्य पुत्रितः। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम के बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आंखों की ओट न करती, जो पोषण करता है उसी का पुत्र होता है। यानी यानी च वस्त्राणि त्रैलोक्ये दुर्वाणि च ददुस्तस्म च ताः प्रेम्णा भूषणानि वरणि वे दिने दिने जो जो वस्त्र और आभूषण इस त्रैलोक में दुर्लभ हैं, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वे उस बालक को प्रदान करती। इसी प्रकार वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्न को प्रतिदिन खिला खिला कर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे
अर्थात इसके बाद एक दिन पितृगांव के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक तुम कौन हो। उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमार खंडे कार्तिकेय लीला वर्णनम नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय की लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।